अरसल उठ जाओ। भैया मस्जिद जुम्मा नहीं बंद है। किया? तुमने जुम्मे की नमाज नहीं पढ़नी? टाइम हो नहीं गया, जल्दी उठो। अरसल हाँ उठो। वो क्या है? उठ जाओ उठ जाओ। कम डाउन, रिलैक्स। कौन है आप और यहाँ इस तरह बैठे हुए? भाई 4 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह गवाह है कुछ भी नहीं खाया है। आप थोड़ी सी मदद कर देते तो मेरा गुजारा हो जाता। आप परेशान ना हो, आपकी मदद हो जाएगी। और क्या चाहिए आपको? आप थोड़ा सा राशन दे दें, आटा दे दें। परेशान नहीं हो? लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। परेशान नहीं हो ना? और किसी किस्म की भी ज़रूरत हो तो मुझे फिर से बता देना, ठीक है? ठीक है ख्याल रखो। तस्वीर भाई, आप तस्वीर नहीं लेंगे? तस्वीर किस चीज़ के लिए? क्योंकि मैं जिसके पास भी राशन मांगने के लिए गया हूँ उसने कहा है तस्वीर लूँगा और फेसबुक पे डालूँगा तस्वीर। अरे भाई, जिसने तस्वीर लेनी थी ना ले लिया। आप खुश रहें। शुक्रिया। आपका एक फेवर चाहिए था। कि क्या फेवर चाहिए था? जैसे आप अभी ये डिनर और लंच जो बनाती हैं, अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो वो क्यों बेटा? इतने सारे जो डेली वेजर्स हैं वो उनका मतलब काम नहीं चल रहा होगा लॉकडाउन की वजह से। वो लोग पता नहीं किस हालात में होंगे, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है दूसरे मुसलमान की हेल्प करना, तो बताएं। वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये सोचा। ठीक है, कल से मैं जो है ना वो कल से नहीं बल्कि अभी से जो मैं खाना बना रही हूँ वो मैं आपको भी पैक करके देती हूँ, आप उन लोगों को देती हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू यू मामा। वेलकम बेटा। वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, पर किसी किसी को चुनता है वो मौला। लिख लिख दुआएं मांगेंगे, चल ईद के चांद।